ये जो हमें आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों की मदद से हमें क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है, है ना? चलिए, तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है भैया? माध्य ज्ञात करने का सूत्र बोलिए, क्या सूत्र है? माध्य बराबर क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग बटे में कुल आंकड़े। तो माध्य, माध्य बराबर, चलो वन प्लस, फिर वन प्लस टू प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस प्लस वन प्लस टू, है ना? प्लस टू प्लस टू प्लस फोर, और बटे में कुल कितने? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दस। जोड़ो तो बेटा इन सबको, एक और एक दो, दो दो चार, चार दूनी आठ, आठ और तीन ग्यारह, ने दो पन ग्यारह, ने बारह, ने तेरह, तेरह 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 ने चौदह, चौदह पंद्रह सोलह, सोलह सत्रह अठारह, अठारह और चार, अठारह और चार बाईस, सही है? तुम्हारा भी बाईस है? चलो अब बाईस में दस का भाग लगा दो। कैसे लगाते हैं देखिएगा, एक जीरो है ना नीचे, नीचे कितनी है? एक जीरो, पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दो, पीछे से एक अंक बाद दशमलव, दो दशमलव दो माध्य आ गया, ये उत्तर आ गया, दो दशमलव दो आपका माध्य है।